जाते जाते हैं। थोड़ा सा रो रहा हूँ लागिन के लिए, इसीलिए थोड़ा सा सुन लक्ष्य की सच्चाई आती है। अभी मैंने भी सच्चाई आती है कि वो लक्ष्य है और रागिनी को देख कर आता है और रागिनी ने अपना हाथ काटा है और उससे मिल नहीं पाया, तो इसीलिए उसको थोड़ा रोकना आता है कि अपनी आंखों के सामने देखी सारी सिचुएशन पर उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि कोई एक मिस्ट्री है जिस वजह से मैं फंसा हुआ हूँ। वो बच्ची जो आई थिंक अगर मैं उसको छोड़ के जाऊँगा तो मर जाएगी, ऐसा कुछ है, तो इसी रीज़न से मैं उसके पास नहीं जा रहा रागिनी के पास। हाँ, बेसिकली मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, मेरा खुद का नेफ्यू है और मैं सोशल मीडिया पे उसके साथ वीडियोस भी डालता रहता हूँ, तो मुझे बच्चे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, क्योंकि उनमें मैं देखता हूँ अपने आप को कि भाई यही टाइम है, जी लो, तो बड़े हो जाओगे फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ये पल कभी नहीं आएंगे कि 10 लोग आप गिर भी गए तो उठा रहे हैं, तो बस अच्छा लगता है बच्चों के साथ। निखिल से मिलने वाला हूँ, निखिल की सच्चाई पता चलने वाला है कि निखिल कौन है, क्या है, यहाँ क्या कर रहा था, और अभी मम्मी की सच्चाई तो आई गई कि हाँ वो लक्ष्य था। मज़ा आ रहा है बस करते करते यार। शो के ऑफिस जाने से मैं बिल्कुल भी अपसेट बिल्कुल नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ, और क्योंकि मैं लास्ट के 2-3 महीने था भी नहीं शो में, जो और जिस हिसाब से होना चाहिए था, री एंट्री होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। सो मुझे अपने पे दुख नहीं है, दुख उनको है जो थे और शो बंद हो गया होते हुए भी। सो आई एम नॉट अपसेट, आई एम तो लाइक कि आपने जैसा किया वैसा हुआ। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, बट माय पॉइंट इज कि स्टोरी खराब हो गई थी, सफेक्ट हो गई थी, और कुछ गलत डिसीजन भी हुए लोगों के और वो सामने हैं। आई फील कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। Good for them and good for us.